अशोक तोमर जीतेगा जी। पिछली बार तो आपने सुनीता दुग्गल को जिताया था, सुनीता अब इस बार इसको जिताएंगे जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो सुनीता दुग्गल ने अच्छा काम नहीं किया था क्या? नहीं काम किया। तोमर को और गुद्दल को कौन जानता, हम तो मोदी को जाना, मोदी ने देना है बस, मोदी के पीछे, मोदी के पीछे। इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को टिकट दी गई है? किसी को दो, हम मोदी को देना है, चाहे वो किसी को खड़ा कर दे, कुत्ते को खड़ा कर दे, उसको ही दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर, मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन जहां तक बात की जाए लोगों की, तो लोग इस पर्व को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही लोगों में भी सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि किस पार्टी की जो है इस लोकसभा चुनाव में इस बार जीत होगी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों के बीच में मुकाबला जो है वो किस तरीके से लोग इस बार देख रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। बीजेपी ने यहाँ से अशोक तंवर को, जो कि पहले जो है कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद टीएमसी में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर बीजेपी में गए, और सुनीता दुग्गल जो मौजूदा सांसद थी उनका टिकट काटकर अशोक तंवर को यहाँ से जो है चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। क्या नाम आपका? राजाराम पारिक। राजाराम जी, मुझे ये बताइए, अशोक तंवर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने, क्या लग रहा है? अशोक तंवर जीतेगा जी। पिछली बार तो आपने सुनीता दुग्गल को जिताया था, सुनीता अब इस बार इसको जिताएंगे जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो सुनीता दुग्गल ने अच्छा काम नहीं किया था क्या? नहीं काम किया। क्या यहाँ की मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या बहुत है जी, गांव में पानी की है समस्या सबसे पहले, तो एक नहर नहीं चल रही है, कई समस्याएं हैं जी, नाली कौन निकल रही जी, कई समस्या है जी। तो इस बार फिर ये जो तमाम जो चुनाव आप कह रहे हैं कि अशोक तंवर जीतेंगे, तो बीजेपी की सरकार थी पहले और बीजेपी से सुनीता दुग्गल जीती हुई थी, तब भी काम नहीं हुआ, तो फिर अब कैसे काम हो जाएगा? अब उम्मीद है जी, हमें आगे उम्मीद है, अभी इसका सर्वे चल रहा है। पाला पलटने में जो है अशोक तंवर माहिर है, पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर जाके बीजेपी में। जी, जी। आप कह रहे हो कि बीजेपी से जीतेंगे? बीजेपी से जीतेंगे जी, मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा जी। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट हो? हाँ, कोई भी कैंडिडेट हो। बीजेपी को जो वोट देने का क्या मतलब? नरेंद्र मोदी है जी, नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। उधर तो राहुल गांधी तमाम विपक्ष को लेकर साथ में घूम रहे हैं। नहीं, घोटाले किए थे जी। अच्छा। इसने एक ही घोटाला नहीं किया। अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है 6,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, लोग कह रहे हैं कि धंधा दो चंदा लो। ये तो जी आपको पता है, मेरे को पता नहीं कितना किया, आप तो रोज ये समाचार चलते है। 16,000 करोड़ का कुल चंदा इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से, इसमें से 6,000 करोड़ अकेली बीजेपी लेगी, बताओ। तो बीजेपी राज उनका तो वही लेंगे जी, और कौन लेगा? तो लोग इस चीज को नहीं मानते? नहीं मानते जी, मैं नहीं मानता। बीजेपी को क्यों आप लेके आना चाहते? बीजेपी को नरेंद्र मोदी को लेके आना चाहता हूँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं। और हरियाणा में जैसे पहले खट्टर सरकार थी, अब सैनी सरकार हो गई है। सैनी सरकार बड़ी है जी, खट्टर सरकार से तो लोग नाराज थे, खट्टर से नाराज थे लोग। हाँ जी, क्या नाराजगी थी खट्टर से? वो किसी की सुनते नहीं थे जी, सुनते नहीं। हाँ, सुनते नहीं थे। क्या नाम है बाबा? मंगतूराम। मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री दो बार जो है लगातार नरेंद्र मोदी बने, तीसरी बार क्या लग रहा है? मोदी बनेगा। ऐसा क्यों? बस सरकार बढ़िया है, सबका मतलब गरीब जनता की सेवा करे। लोग तो कह रहे इतने घोटाले हुए हैं, इतना बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। एक बड़ा ब्याह करवा रखे होगे, ब्याह तो करवाए शादी तो करवाई थी उन्होंने, जिंदगी भर छोड़ रखे बड़े सारो घर टाबर बिंग बजवा छो है। तो ये जो राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर घूम रहे हैं, घपला है, घपला है तो। अच्छा, राहुल गांधी घोटाला। यहाँ से ये सिरसा लोकसभा की बात करें तो अशोक तंवर को इस बार बीजेपी ने मैदान में, तंवर को और गुद्दल को कौन जानता, हम तो मोदी को जाना, मोदी ने देना है बस, मोदी के पीछे। हाँ, मोदी के पीछे। तो फिर तो अशोक तंवर की जगह फिर किसी और को सीट दे देते? किसी ही दे दियो बने, मैं तो मोदी के सारा गा। अच्छा, मोदी का को पट घेर देगा। तो मौजूदा जो हरियाणा की खट्टर सरकार थी, अब सैनी सरकार बन गई है, ये कैसे काम कर रही थी? काम घना कर 52-54 लाग गया हमारे गाँव में, 87 लड़का लाग गया जी, लड़का लाग गया, और के चावा में मुफ्त कणक दे, मुफ्त कणक है। क्या नाम आपका? रोहतास कुमार।
रोहतास मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि खट्टर सरकार में बहुत काम हुआ, मोदी सरकार में भी कोई सेंटर की परियोजनाएं आपके गांव में आई? सेंटर की है जी, देखो तेल मिलन लाग रहे हो, कड़क मिलन लाग रही है, सारों की मिलन लाग रही है, बुढ़ापा पिल्सल मिलन लाग रही है, आराम बैठे ठाट मारा, और क्या चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को टिकट दी गई है? किसी को दो, हम मोदी को देना है, चाहे वो किसी को खड़ा कर दे, कुत्ते को खड़ा कर दे, उसको दे देंगे। अच्छा। मोदी को, मोदी को, मोदी को जानते हैं। इस बार सरकार किसकी लग रही है आपको, किसकी आनी चाहिए सरकार? हुड्डा की। हुड्डा की, हुड्डा में लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें किसकी लग रही है आपको? प्रधानमंत्री वाला जो चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अब तो मोदी जीते वो। मोदी, मोदी। अच्छा, तो यहाँ से अशोक तंवर है मैदान में, दूसरी तरफ कांग्रेस का अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अशोक तंवर को किस तरीके से देखते हैं? जानू ही कौन है, मैंने की देखे ही कौन। अच्छा, देखे ही कौन, देखे ही कौन। मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आएगा, अब लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया, क्या लग रहा है इस बार देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? कोई बने जो पार्टी करेगी उसके साथ देंगे, जो हमारी पार्टी है ना वो कहेगी उसका साथ देंगे। अच्छा, तो जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में इस बार सिरसा सीट की मुख्य तौर पर, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि मौजूदा सांसद जो है सुनीता दुग्गल से लोग नाराज है, लेकिन अशोक तंवर ने कई पार्टियां बदली और बीजेपी में गए और बीजेपी में जाते ही टिकट दे दी, तो क्या लग रहा है उनका इस बार? ना ये फॉरवर्ड आदमी है जी, अशोक कुमार जी ने पिछले साल बहुत बढ़िया काम किया जी, पिछले टर्म में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करे जी, नहीं कोई फॉरवर्ड नहीं है, अशोक जी ने बहुत बढ़िया काम किया पिछले वर्ष, तो अब की बार हर आदमी उनको चाहता है। लेकिन क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना, किसी एक पार्टी में आप रहे उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए, अब मोदी के नाम पे लोग कह रहे वोट देंगे हम उनको, और मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे और उनके पर्सनल वोट वो भी उनको मिलेंगे, कांग्रेसी लोग वो भी उन तंवर को वोट देंगे, बीजेपी मोदी के नाम से वोट आना तो वो तो आना ही है। तो इस बार अशोक तंवर के सामने किसको मानते हैं, आपकी फाइट होगी या नहीं होगी? नहीं, कोई फाइट नहीं होगी, मोदी के नाम पे वोट। हाँ, मोदी के नाम पर वोट मिलेगी और अशोक कुमार के पर्सनल वोट है सिरसा जिला में, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने पिछले वर्ष। काम आप कह रहे तो सुनीता दुग्गल ने काम नहीं किया? किया है। तो फिर टिकट कैसे कट गई? टिकट तो वो तो हाईकमान की बात है, टिकट काम नहीं किया, लोग नाराज थे तभी तो टिकट काटी। नहीं, टिकट तो हाईकमान पर है। आप कांग्रेस में कह रहे हो वोट है? नहीं, कौन कहता है, मैं तो अशोक तंवर को वोट दूंगा। वो तो पहले कांग्रेस ही दे, पहले कांग्रेस ही दे, उसके बाद अशोक तंवर को डबल बेनिफिट है, जो उनके पुराने बरकरार कांग्रेसी वो भी अशोक तंवर को वोट देंगे, बीजेपी वोट देंगे, मोदी के नाम से देंगे। अच्छा, तो हारेगा कैसे? तो फिर सामने सामने तो कोई तो होगा। इस सिरसा लोकसभा की अगर बात करें, जैसे कांग्रेस के पास फिलहाल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, कुमारी सेलजा का भी नाम है, चरणजीत सिंह रोड़ी का भी नाम है, एक दो और लोगों का नाम है। नहीं, हम तो मोदी के नाम से वोट देने हैं, अशोक तंवर के नाम से वोट देने। खट्टर सरकार ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। खट्टर ईमानदार था, आप सभी आदमी, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस गांव के बारे में कहा भी जाता है, ये रिसालिया खेड़ा गांव है सिरसा जिला का, युवा यहां का ज़्यादातर पढ़ा लिखा है और उसी की बदौलत जो है नौकरियां यहां पर आम तौर पर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा जो है लगे हुए हैं। इस टर्म में भी लगे हैं युवा? हाँ, बहुत लगे, बहुत लगे। तो अब आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, मुख्य तौर पर इंडिया और एनडीए में कौन जीतेगा? वो सरकार बीजेपी की आनी है। सरकार बीजेपी। हाँ, बीजेपी की।